नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। देखिए, आज का मेरा टॉपिक आपने मेरे थंबनेल में और मेरे टाइटल में देख लिया है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक कमेंट जो मुझे बार बार स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा आ रहा है, मिल रहा है, मैंने सोचा था इस कमेंट को बहुत जल्दी रिप्लाई करूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि एक कमेंट आता है अक्सर कि अगर हम इस मंत्र को पढ़ेंगे, अब ये कोई सा भी मंत्र हो, बहुत से मंत्रों में जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उसमें ये कमेंट आ जाता है कि इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या मेरी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, क्या मैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। तो देखिए, कोई भी मंत्र हो वो आपको पास कराने की गारंटी नहीं ले सकता है कभी भी। मंत्र आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी आपका मनोबल जो होता है, दिमाग होता है, वो तेज होता है, और विषय जो भी आपका विषय होता है, जो भी विषय अस्तु, अब वो किसी प्रकार की विषय हो, किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपका ये जागरूकता करवाता है, आपको आगे बढ़वाता है, और आपकी उसमें जो लगन होती है वो बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा तो 100% में से 200% चांस हैं कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी कोरी कॉपी छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में और ये मंत्र आपको पास करा देगा। कर्म जो होते हैं वो आपको ही करने पड़ते हैं, चाहे हम कितनी भगवान की भक्ति क्यों ना कर लें, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके सामने जो होते हैं वो डोर खोलते हैं, लेकिन उन डोरों के अंदर जाने का काम आपका ही है और सही डोर को पहचानना भी आपका ही काम है। मंत्र सिर्फ आपको जो होने वाली अनहोनी है उससे बचाते हैं, सही मार्ग दिलाते हैं ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। तो ये है एक बात। अब दूसरी बात बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक ये कह रहा है कि क्या ग्रह जो हैं वो भगवान से ऊपर हैं, फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करें जब सारी चीज़ें यानी भाग्य का लिखा हुआ सभी लोग जानते हैं कि ग्रह ही बनाते हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय जो ग्रहों की चाल होती है उसी हिसाब से हमारी कुंडली में प्रभाव पड़ता है और उसके अधीन होकर ही हम सारे काम करते हैं, राइट। तो हम भगवान की पूजा क्यों करें, चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं और समझाता हूँ मैं। देखिए, जो ग्रह हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रह सर्वोच्च हैं कलयुग में, क्योंकि कलयुग में भगवान सुप्त हैं, सो गए हैं और सभी अपने अपने धाम को लौट गए थे महाभारत के बाद। और जो ग्रह हैं वो ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, वो भी देवता हैं, भगवान हैं। पहली चीज ये मैंने कई वीडियो में कहा है, खुद भी वो देवता हैं, भगवान ही हैं, उनको भी अगर आप पूछते हैं तो भगवान की आप भक्ति पा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्म ये हमारे जो हैं वो उसका निर्धारण करने वाले ग्रह ही हैं। तो क्या हम भगवान की भक्ति छोड़ दें? जी नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। कोई भी इंसान अगर भगवान की भक्ति सही प्रकार से करता है तो 100% उस पर ग्रहों की जो चाल है वो धीमी पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जो भाग्य का लिखा हुआ है वो जरूर होगा, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि खुद विधाता ने स्वयं कहा है कि भाग के रास्ते में जो भी लिखा होता है, आपको कर्मों का जो दंड होता है उसके रास्ते में मैं कभी नहीं आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ। अगर रास्ते में उन्हें आना होता तो वो ये बात जान करिए कि महाभारत ही नहीं होती। तो ये भी एक अटूट सत्य है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम पूजा मात्र कर रहे हैं तो ग्रहों का असर नहीं होगा। अगर आपको इस तरीके से पूजा करनी है और आप चाहते हैं कि ग्रहों का असर आप पे ना हो तो आपको फिर साधक बनना होगा। देखिए, पूजा और साधना में बहुत अंतर है, मैं आपको पहले भी ये चीज़ समझाते आया हूँ। पूजा वो होती है कि हमने नॉर्मल सी अगरबत्ती जलाई एक और ओम नमः शिवाय का मंत्र दो चार बार उच्चारण किया, घंटी बजाई और हम चले गए, है ना। ये आपका दैनिक दिनचर्या है, ये रूटीन है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिखता है कि आपको ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है, भक्ति है, जैसे कि मीराबाई, जैसे कि तुलसीदास, जैसे कि सूरदास, जो हर समय केवल और केवल भगवान का ही निरंतर जाप करते रहते हैं, यानी उनके कण कण में, हर अंग में भगवान बचे हैं। और आज के समय में ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है और सभी इंसान काम धंधे में, भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं कि इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो यही कारण है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर भाग्य जो है अपना प्रकाश डाले और कोई भी ग्रह आपका
अनिष्ट ना कर पाए, आपको दुष्परिणाम ना मिले देखने को, तो आपको एक साधक बनना होगा। यानी आपको कोई भी मंत्र जो है वो निरंतर जपना होगा, निरंतर जपना होगा। काम करते रहिए, अपना काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते उठते बैठते भी मन में स्मरण करते रहिए और उसके बाद आपके चित्त पे ये मन जो है स्थापित हो जाएगा। आपके सोते समय भी ये मंत्र चलेगा, इसी को मंत्र सिद्धि कहते हैं। मंत्र जब अपने आप आपके कानों में बजने लगता है, आपके मुंह से स्वतः निकलता है, आप सो रहे होते हैं तो वो भी चलता है, यही मंत्र सिद्धि है। तो जब इस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो ग्रह, क्या दुनिया के कोई भी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका अनिष्ट कर पाए, क्योंकि फिर आप उन सब चीजों से ऊपर हो जाएंगे। कोई भी इंसान अगर रोज हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या किसी भी मंत्र को कंटिन्यू पढ़ता है, चैंटिंग करता है और बहुत समय से करता आ रहा है, जो लोग करते आ रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं करते आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, करता है, तो फिर वो इन सब से ऊपर उड़ जाता है। फिर वो अपनी कुंडली दिखाना छोड़ दे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलना छोड़ दे, हर चीजों से वो परे हो जाता है। लेकिन बहुत मुझे खेद है कि आज के समय में ऐसा लोग नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को 30 मिनट का भी समय नहीं दे पाते हैं, जिस विधाता ने उन्हें इस दुनिया में आँख खोलना सिखाया उसके लिए। तो यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रहों की चाल सब पे पड़ती है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आप एक तेजस्वी प्रतापी साधु बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं, या आप एक उच्च आत्मा बन जाते हैं, उच्च आत्मा का मतलब है किसी के बारे में बुरा ना सोचने वाला, परोपकारी, अपने माता पिता की सेवा करने वाला, किसी के मुंह किसी को गाली नहीं देने वाला, अनादर नहीं करने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला, बस इतना ही काफी है, तो भी आप इन ग्रहों के मार से बच जाते हैं। क्योंकि कर्मों का दंड देने वाले शनिदेव हैं, और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो दंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल ये सच है और सत्य है और अटूट सत्य है कि कलयुग में ग्रह सर्वोच्च हैं। लेकिन वो सर्वोच्च तब है, सर्वोच्च वो तब है जब आपकी भक्ति कमजोर पड़ती है। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो परमात्मा भी आपका भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वो तब बदल सकते हैं कि जब आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए। और आपकी आवाज़ कैसे वहाँ तक जाएगी? जब आपके वाणी में मिठास होगा, वो शक्ति होगी, आपके अंदर इतना लगाव और झुकाव होगा कि भगवान को मजबूर होना पड़े, वो कहें कि ये भाग्य तू बदल जा, ये अब इसके लायक है, इसके सारे कर्मों का दंड समाप्त कर दे। तो ऐसी भक्ति अगर आप में है तो आप कर्मों के दंड से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। हर इंसान को कर्मों का दंड मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे इस वीडियो को बनाने वाला मैं ही क्यों ना हो, कोई भी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्यों प्लैनेट इतने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप नॉर्मल भक्ति करते हैं तो फिर मैं आपसे यही करूँगा जाते जाते कि आप भक्ति करिए, भगवान की दिया जलाइए, और साथ ही साथ अपने जिसकी दशा चल रही है, जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, उसका मंत्र जाप, और अपने लग्न के जो स्वामी है उसका मंत्र जाप तो जरूर जरूर करें, और आप देखेंगे ज़िंदगी आपकी आसानी से कटती जाएगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं विराम देता हूँ, आगे अपने अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। नमो नारायण, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।